नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं ये इग्निप्लेक्स थीम का कस्टमाइजेशन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन और ये सब बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कलर और कॉम्बिनेशन ये सब बैठा दिया गया है। यहाँ पे कुछ फीचर्स मैं बता देता हूँ इस टेम्पलेट की। सबसे पहले तो ये आपको मिल जाता है, इसमें आप अपने लेवल के अनुसार जो है पोस्ट शो करवा सकते हैं, या आप चाहे तो रेंडमली किसी पोस्ट को, अगर ज़्यादा पोस्ट है आपके वेबसाइट पर तो यहाँ पर शो करवा सकते हैं। यहाँ पर नीचे आए तो बहुत सारे स्टाइल में मिलते हैं। ये पे लेजी लोड का आपको मिल जाता है, ये भी पॉपुलर पोस्ट एक ही दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे उतने हैं नहीं। और ये लेवल का डिज़ाइन भी इनका अच्छा है, पतला पतला है, मतलब छोटा छोटा है, मतलब कि छोटे से स्क्रीन में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस थीम में आपको मिल जाएगी। ये लेवल वाइज पोस्ट है, मतलब ये तो अभी रेंडम है, आप इनको टाइप के मतलब लेवल के अनुसार भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत टाइप से इन पोस्ट को आप शो कर सकते हैं अपने होम पेज पर, केवल ये होम पेज पर ही होता है लेकिन अगर आप चाहें तो अपने पोस्ट के नीचे भी शो करवा सकते हैं। अभी मैं एक को आपका ये देखिए यहाँ से मैं एक पोस्ट ओपन कर लेते हैं, टाइप कर लेता हूँ। ये वाला वेबसाइट है जिस पे मैंने ये थीम को कस्टमाइज़ किया था, तो उसमें यार बोल रहा था लेकिन इसमें नहीं बोल रहा है, क्या दिक्कत हो सकता है। इसी थीम को जो मैंने वहाँ पे लगाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिसन का है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। हो सकता है कि मेरा नेटवर्क स्लो है इसलिए ये बोल नहीं रहा है, क्योंकि ये बोलता है यहाँ से पूरा आपको पढ़ के दिखा देता है। मेरा थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है लगता है इसलिए ये अभी लिसन नहीं। भीमवाल में व्यापारी से लूट के प्रयास का मामले में पुलिस को 12 घंटे में किया खुलासा, दो आरोपी को किया गिरफ्तार। भीमवाल 13 जुलाई 2023 जालौर के भीमवाल में इलेक्ट्रॉनिक कांटे और माचिस। ये जो है एक मतलब कि इंडोनेशियन थीम है और इसमें हिंदी, जयपुर मुंबई एक्सप्रेस, ये देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में आपको ये सब पढ़ के दिखाएगा कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए एक अच्छा फीचर है इसका, तो आप यहाँ से मतलब एक पोस्ट को जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद उसको रन करके पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में गोली चलाने की घटना का आरोपी का, और अगर आप इस पे एक बार टाइप करके चलो करते हैं तो ये थोड़ा सा लोड लेता है और बहुत देर के बाद बोलना स्टार्ट करता है। तो मैं बोलूँगा कि अगर कोई बंदा आ रहा है तो यहाँ पे आके पढ़ सकता है उसका। आपको कैसे सेटअप करना है हिंदी में बस वहीं बताएंगे, क्योंकि आपके पास थीम तो होगा पहले, तो मैं बताऊँगा केवल कि थीम कैसे सेटअप करना है, ये मेनू कैसे ऐड करना है, ये फॉलो बटन आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, यहाँ पे इमेज कैसे लगाना है, और यहाँ पे आपको ये सब कैसे लगाना है, ये जो नीचे आइकन है, और यहाँ पे लिंक्स कैसे लगाने हैं। तो ये जितना भी साइड बार का काम, मतलब ये मेनू बार का काम है, वो आपको एडिट एचटीएमएल में जाकर, यानी कि थीम को एडिट एचटीएमएल में जाकर कोड में एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका थंबनेल नहीं है उस पर ये आ रहा है, क्योंकि मैंने उनकी साइट को जब कस्टमाइज़ किया था तो यही वाला जो लोगो था उसको लगा दिया था। जब इमेज नहीं रहेगा कोई भी तो वो वाला इमेज शो हो जाएगा, ये वाला भी फीचर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक शेयर का बटन है, ये शेयर जो है फिक्स रहता है, इसका जो पोजीशन रहता है। उसके बाद जी हुई आप ये अपने नॉर्मल मतलब फिक्स साइज़ पे जाएगा, उसके बाद यहाँ से चल उठ जाता है ये। अच्छा है, यहाँ से बंदा क्लिक करके यहाँ से कॉपी लिंक करके किसी को भी शेयर कर सकता है, या फिर यहाँ से शेयर करेगा और यहाँ से मोर करके मतलब कहीं भी शेयर कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए इसको हम अब कस्टमाइज़ करने का मतलब बताते हैं कैसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ बुकमार्क का ऑप्शन है, जिससे कि यहाँ पर सारी पोस्ट आ जाती है। ओके, तो बहुत सारी फीचर्स हैं और न्यू बोले तो ज़्यादा फीचर्स भी नहीं। चलिए कस्टमाइजेशन पे चलते हैं। यहाँ पर हम आ गए हैं इसके मतलब कि लेआउट ऑप्शन में, यहाँ से आप अपनी पोस्ट को शो कैसे करना है ये सब आप दिखा सकते हैं, और फुटर के लिंक चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं हेडर का जो ये है आप देख सकते हैं यहाँ पर डी के जे मतलब है वहाँ पर, तो उसको कैसे चेंज करना है एक मिनट में वहाँ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं एक लोगो ले लेता हूँ छोटा सा कोई भी, और वहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ कि आपको ये डी के चेक ब्लॉग जो आ रहा है ये भी ठीक ही है, क्योंकि ये पहला वाला जो है उसका इमेज जो है इमेज टाइप का लगने लगता है। इसको सेव करके देख रहे हैं, ये तो मैंने गोल वाला लोगो लगा दिया, कोई बात नहीं, पता नहीं कैसे आएगा ये, नहीं आ रहा क्या बात हुआ। तो देखिए भाई लोग दिक्कत क्या होती है ना कि इसको बीच वाले पर टाइप करना पड़ता है ताकि डिस्क्रिप्शन के आगे दिखे, बहुत लोगों का नहीं दिख रहा होगा तो इसी की वजह से नहीं दिखता है, देखो पीछे दिखने लगा था। तो ये छोटा लोगो है, अगर आपका लोगो लंबा रहेगा तो लंबा दिखेगा, ठीक है। और ये तो हो गया, ऊपर से स्टार्ट करते हैं और इसको कैसे चेंज करें। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी एक ही पोस्ट की शो हो तो यहाँ से मैं एक्शन पोस्ट की शो करूँगा केवल, ये सब लड़कियाँ पड़कियाँ नहीं दिखेगी वहाँ पर। तो ये स्लाइडर है भाई साहब, इसको ऐसे क्लिक करेंगे और ये जो रैंडम लिखा हुआ है इसको यहाँ से चेंज कर देंगे एक्शन से और सेव करेंगे। मैं अभी हैकर कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, कोड फाइंड करने में जल्दी मतलब हो जाता है। तो देखो भाई बात ये है ना कि मेरे जो सारे पोस्ट हैं ना, सारे पोस्ट सारे मतलब क्या बोलते हैं उसमें हैं, सभी लिस्ट जो भी पोस्ट है सब में मैंने सबको ऐड करके रखा है, इसलिए इसी की वजह से ये सब दिखा रहा है। यहाँ से देखिए आप जब यहाँ पे जाते हैं तो
तो अच्छा सा लुक मिलता है यहाँ से, मतलब पोस्ट बहुत सारी विजिट कर सकते हो एक ही बार में। चलो बताते हैं ये कैसे करना है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ज़्यादा तो कुछ है नहीं थीम में। इसमें सेफ लिंक भी है, वो भी ऐड करने के लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही मतलब नॉर्मल है, नहीं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, सेफ लिंक लगाने के लिए बहुत ही नॉर्मल वीडियो होगी। अब चलिए बताते हैं कि ये सब आप खुद से भी एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आएंगे, ये बिलबोर्ड एड्स है, जब आपकी एडसेंस अप्रूवल हो जाए उसके बाद ये पिनड पोस्ट है, अगर किसी पोस्ट को आप पिन करना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक को कर लेता हूँ यहाँ से, पता नहीं क्या इसका लव फेलियर इंक्रीज स्ट्रेस वो माइक्रो भाई। ये सब पोस्ट जो तुम लोग देखते हो ना, मतलब ये मैंने ऐसे ही मतलब कर दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप पे एक पिन हो गया है, ठीक है। उसके नीचे लेटेस्ट पोस्ट है, और यहाँ से ये पॉपुलर पोस्ट, और ये है आपका न्यूज़। न्यूज़ में मतलब वो आ जाएगा ना जिसमें कि, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पोस्ट पे मैं गया, अगर कैटेगराइज करना है तब मैनेज करता हूँ इसको सबको, केवल दो पोस्ट को करूँगा। क्या करूँगा ना कि इनको एक ही मतलब कि रखूँगा, एक लेबल बना के, और वहाँ पर दिखाऊँगा आपको कि कैसे आप लेवल के अनुसार भी शो कर सकते हैं। तो मैं केवल आर्ट में रखता हूँ और सेव करता हूँ, दो पोस्ट जो हैं मेरे आर्ट में हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं सबसे पहले किस पे उठाऊँ, ये न्यूज़ है ना, न्यूज़ लिखा हुआ है, तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे बहुत सारा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 15 स्टाइल है शो करने का, तो आप कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, न्यूज़ जो है मैं इन सब को यूज़ ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो है ना मतलब नॉर्मल पेज में है। यहाँ पे मैं आर्ट लिख दूंगा केवल, बस कुछ नहीं करना। ये नंबर ऑफ पोस्ट है, रुक जाओ यहाँ पे भी दिखा देते हैं। ये है लेवल जिसका पोस्ट हमें शो करना है, उसके बाद ये नंबर है कि कितना आप शो करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे 4 है तो मैं यहाँ पे 3 भी कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 भी कर सकता हूँ। कमेंट शो करना है कि नहीं, देखो यहाँ पे ये वाला शो करना है कि नहीं, कि ये कमेंट है या नहीं है। आप इसको हटा सकते हैं, जैसे कि ऐसे ट्रू या फॉल्स है तो इसको फॉल्स कर सकते हैं, अगर आपको नहीं शो करना है तो आइकन हट जाएगा। सो लेवल ट्रू है, सो स्निपेट ट्रू है। स्निपेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, स्निपेट देखिए, ये वाला स्निपेट है, तो मैं चाहता हूँ कि वो दिखे ही ना, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको फॉल्स कर दूँगा, ठीक है। सो टाइम ट्रू है, सो टेक्स्ट ट्रू है, सो ऑल ट्रू है, तो सो टेक्स्ट ट्रू है, ठीक है। सो टाइम भी ट्रू है, तो मैं टाइम भी नहीं रखना चाहता क्योंकि वो स्पेस दे रहा है, तो मैं इसको भी फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे वाले में भी ये डालूँगा, तो मैं बस दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे कि इसको अभी सेव करते हैं, और देखो यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने कितने डाला था, 2 पोस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं 2 पोस्ट ही आ रहे हैं, टाइम नहीं आ रहा है, और ये सब नहीं आ रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टाइम हटा दिया मैंने, और ये सब हटा दिया, लेकिन कमेंट अभी बाकी है, तो अभी उसको भी हटा देते हैं। देखो ये बहुत सिंपल है, यहाँ से ट्रू और फॉल्स करना है, ज़्यादा इसमें है नहीं, केवल मेनू को एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी रिफ्रेश करते हैं इसको, देखो यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन आ गई, बहुत ही मतलब छोटे से, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा जो जगह छेक रहा है, देख रहे हैं इतना लंबा छेक रहा है, तो इसमें आप कम मतलब जगह बना सकते हैं फॉल्स फॉल्स करके। और क्या, सब ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि एक ही किसी एक कैटेगराइज पोस्ट अगर शो करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, यानी कि एक पोस्ट की यहाँ पे दिखेगी, और एक मतलब कि लेबल की यहाँ दिखेगी, दूसरी कैटेगरी की ऐसे दिखेगी, तीसरी कैटेगरी की ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो समझ गए होगे कि सबका मतलब एक ही है, जैसे कि 4 स्टाइल 3 4, ये सब वो सब सब वही है, कुछ अलग नहीं है। देखो मैं तुमको दिखा देता हूँ, मैं तुमको दिखा देता हूँ ओरिजिनल पे कैसा है, ये है इनका ओरिजिनल, इसको भी दिखा देता हूँ खोल के, यहाँ लाइव डेमो पर क्लिक करके। मेन अभी हम लोग का बाकी है, यहाँ पे एड्स इन्होंने बिलबोर्ड्स एड्स ये सब ऑन रखे हैं, और ये ऑथर प्रोफाइल भी ऑन रखी है, आप वहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल है वहीं से, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन इन्होंने ज़्यादा दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कितने सारे स्टाइल हैं, देख सकते हैं 1 है 2 है, यहाँ पे तीसरा स्टाइल है, बस 3 ही स्टाइल रखे हैं इन्होंने भी, कोई बात नहीं। और भाई ये जो थीम है इनकी 230 RP, मतलब ये महंगी है, ऐसी भी नहीं है कि सस्ती है। अब चलिए चलते हैं सीधा ये नीचे वाले पे इंफॉर्मेशन पे, क्योंकि ये सारे पोस्ट में जो है एक ही है कि आप किसी लेवल से शो करना चाहते हैं, किस स्टाइल में शो करना चाहते हैं, लिस्ट में करना चाहते हैं, ग्रिड में करना चाहते हैं, आप मतलब ये कर सकते हैं। और उसके बाद ये फुटर है, प्रोडक्ट लेवल है, इंफॉर्मेशन में आप अपने अबाउट में कुछ लिख सकते हैं कि आप क्या है, आपकी साइट क्या है, क्या प्रोवाइड करा रही है, ये सब। और नीचे लर्न मोर में आप अपने अबाउटर्स कॉन्टैक्टर्स और ये सब का व्हाट्सअप ट्विटर जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सबका लिंक डाल सकते हैं लर्न मोर डाल के। और ये आपका जो है कॉपीराइट टेक्स्ट, ये आपका ऑटोमेटिक होगा मेरे को लगता है, जैसे कि कॉपीराइट में घुसते हैं अभी,
तो यहाँ पे आप नॉर्मली भी डाल सकते हैं, नहीं तो एक मिनट में इसको हाइड करके देखता हूँ, शायद नॉर्मली भी होता है, अगर ना भी डालो ना तो यहाँ पे दिखाने लगता है। देख लेते हैं एक बार, नहीं इसमें आपको कस्टम कॉपीराइट डालना ही पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि एक्स टेक्स ऐसे कुछ टेक्स भी लिख के डाल सकते हैं या एक HTML फॉर्मेट भी डाल सकते हैं, मैंने केवल टेक्स लिख के डाल दिया और कुछ नहीं किया। चलो ठीक है, चलो मेनू को एडिट करना कैसे, ऐसे यहाँ पर थीम में जाएंगे और उसके बाद इसको एडिट HTML करेंगे। और देखो यहाँ पे तो मेरा ये है, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मतलब मेनूज़ है और ये सब है। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या करना है, मेनू बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपका कुछ और लिखा हो क्योंकि आपका थीम जो है कहीं और से डाउनलोडेड होगा। तो मैं जो ये थीम है ना अपने वेबसाइट पर दे दूँगा, साइट हमारी जो है आप सर्च कर सकते हैं DK टेक्नोसन गूगल पे, नहीं तो लिंक्स मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा मेनू भाई साहब, मैं ऊपर देखना भूल गया था, तो चलो मेनू को एडिट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, इसको एडिट करने के लिए देखिए क्या करना है, ब्रेकिंग न्यूज़ को सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे कैटेगरी है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो ऊपर हेडिंग है, तो यहाँ पे क्या बोला आपको अपना टेक्स्ट चेंज करना है, ए टैग को और उस टैग को बिल्कुल छेड़ना है नहीं। तो ये हो गया हेडिंग भाई साहब, ठीक है। और उसके बाद ये है कैटेगरी, तो आप यहाँ पे लेवल भी कर सकते हैं। तो ऐसे मैं जैसे सेव करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ होगा, ये एक डायरेक्ट लिंक है और उसके बाद ये कैटेगरी का ड्रॉप डाउन है। तो मैंने बस लिंक्स चेंज किए थोड़ी सी, तो देख सकते हैं हेडिंग आ गया और ये लेवल आ गया। अब क्राइम को और उसका लिंक कैसे चेंज करना है देखिए दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्राइम, तो केवल क्राइम को छेड़ना है, ज़्यादा इधर उधर छेड़ेंगे तो टैग गलत हो जाएगा। और ये जो हैश टैग है यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट कर देना, मैंने गूगल का कर दिया और यहाँ पर भी मैं कंट्रोल भी करके ये google.com पेस्ट कर दिया। ये मल्टी ड्रॉप डाउन है, तो आपको ये केवल टेक्स्ट एडिट करना है जो कि क्लोज ए टैग के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे google2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेनू रेडी। अगर आप एक्स्ट्रा मतलब ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे आपको दिखा देता हूँ मैं डेमो क्या चेंजेस आए हैं। यहाँ पे google1 और google2 आया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप गूगल पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और अगर आप एक्स्ट्रा मल्टी ड्रॉप डाउन ऐड करना मतलब ड्रॉप डाउन ऐड करना चाहते हैं दो तीन लिंक, तो एक और एल आई टैग बढ़ा देंगे, ये वन ऑर्डर लिस्ट है और ये लिस्ट टैग है, तो आप चाहे तो कितनी भी लिस्ट यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, जितने चाहे आप कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे। और सबका अलग अलग आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और उसका लिंक चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे हैश डालूँगा और इसका भी लिंक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लिस्ट को अगर ज़्यादा रखना है तो यहाँ पे ऐसे ही मेनू बनाना पड़ेगा, समझ गए। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ क्या चेंज हुआ है, लेवल है और यहाँ पे हमने 2 से 5 कर लिए। और इन पर बंदा क्लिक करके हमारी अन्य पेज को विजिट करेगा। अगर आपको कैटेगरी डालना है तो यहाँ से आप एक कैटेगरी का लिंक ऐसे उठा करके कॉपी लिंक एड्रेस करके वहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था सबसे टॉप वाला, उसमें लिंक नहीं था, तो उसमें यहाँ से लिंक डालेंगे, हैज़ को रिप्लेस करेंगे अपने लिंक से, ठीक है। अब चलो उसको समझ गए, तो अब चलो क्या करना है, इसको एडिट करना है, ठीक है। तो ये है नेविगेशन, इसमें आपको मतलब ये मेनू है, जब आप यहाँ मेनू पे क्लिक करेंगे तो ये सब जो एडिट करने के लिए आएगा। ऊपर वाला काम हो गया हमारा, अब ये अबाउट कॉन्टेक्ट इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे टाइटल अबाउट लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मैं अबाउट की जगह पे यहाँ पे अपना लेबल वाला लिंक डालूँगा, क्योंकि मेरे को तो मतलब नहीं है कि लिंक कौन सा है, क्योंकि मैं अपनी कस्टमाइज़ कर रहा हूँ, ये जो है SVG लिंक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा टेक, क्योंकि मैंने टेक का लिंक डाला, मतलब अपने लेबल का लिंक डाला। और उसके बाद नीचे आएंगे और ये जो है अभी इसका URL हमने डाल दिया है ना, देखना पड़ेगा, पहले URL डाल दिया है, उसके बाद एक SVG आइकन है और उसके बाद उसका नाम है बस। और ये देखिए दूसरा लिस्ट चालू हो गया यहाँ से, ये देखिए ये जो है ना लिस्ट है, ये लिस्ट है, मतलब एक एक के बाद एक नीचे आएगा, तो ये दूसरा लिस्ट चालू हुआ है यहाँ से। और इसमें भी हम वही डाल देंगे कंट्रोल भी करके, क्योंकि जानते हैं हमको कुछ फ़र्क नहीं है। अगर आपको इसको सर्च वाले में डालेंगे तो वो भी ठीक है, सर्च पेज पर चला जाएगा,
और टेक्स्ट को कहाँ से चेंज करना है आपको पता ही है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है स्पैन के नीचे, मतलब ए टैग के क्लोज होता है तो उस पर स्पैन लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हम कुछ भी डाल देंगे ऐसे। ठीक है चलो, यहाँ पे हमने डाल दिया -1 ये सब वो सब। अब नीचे आओ, चलो छोड़ो उसको, नीचे क्या है साइट मैप है, मतलब यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं। साइट मैप में भी हम सेम URL डाल देंगे, आपको अपने साइट मैप का URL डालना है। आप बोलेंगे साइट मैप कैसे फाइंड करें, तो साइट मैप का आपका पेज होता है, आप उसको बना सकते हैं। चलो ठीक है, ये डार्क मोड डिफ़ॉल्ट है, अभी मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये सब चेंज हो गया होगा नीचे का, तो देख सकते हैं टेक्स्ट चेंज हो गया, माइक चेंज हो गया, और ये सब तीनों आप चेंज कर सकते हैं। साइट मैप पे हमने डाला था वहीं वाला सेम, तो यहाँ पे हमारा उस लेवल से सर्च लेवल से जितना भी है पोस्ट आ रहा है। हमने कौन सा लिंक डाला था, तो ये जो ब्यूटी लेवल था उससे सारे पोस्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब क्या करना है भाई साहब, हाँ देखो सेटिंग करना है, कॉन्फ़िगरेशन ये मेन है, क्योंकि इसी से तो तुम लैंग्वेज चेंज करोगे। तो लेजी एड सेंस यहाँ पे ट्रू हो रहा है सर, एड ब्लॉकर ट्रू, अगर आपको एड ब्लॉकर लगाना हो तो यहाँ पे बस सर्च कर देना, यहाँ पे एंटी एड ब्लॉकर आपको मिल जाएगा। ठीक है एड ब्लॉकर ट्रू है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है कोई बात नहीं। ये है नो इमेज का, मतलब मैंने बताया था कि किसी पे इमेज नहीं होगा, तो वहाँ पे मुद्रा इमेज सर्च, मतलब कि मुद्रा इमेज दिखेगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब इसको कर लेता हूँ। ठीक है अभी देखिए जिस पे मतलब नहीं होगा, यहाँ पे तो सब पे है, जिस पे नहीं होगा ना इमेज उस पे वो मुद्रा इमेज का जो सिंबल है वो दिखता है, तो उसको हटाने के लिए मतलब अगर आपके पास थंबनेल नहीं है ना तो आप, हाँ देखिए यहाँ पे जैसे कि ये दिख रहा है, तो मैं इस मुद्रा इमेज को चेंज करूँगा। अब इससे कैसे चेंज करूँगा, बस यहाँ पे जाना है, नो इमेज पे करना है, अगर इमेज नहीं है तो कौन सा इमेज पे शो कराना चाहते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये मुद्रा इमेज अब चेंज हो जाएगा अगर वो पोस्ट आया तो। ठीक है वो सारी पोस्ट ही नहीं आ रही है, रेंडम हमने यहाँ पे रखा है, फिर भी वो सभी पोस्ट नहीं आ रही। हाँ देखो ये जो आ रहा है अभी इमेज, तो आप देख सकते हैं ये वाला इमेज हमने चेंज कर दिया। अब जिस पे नहीं होगा तो उस पे ये वाली इमेज आ जाएगी लड़की वाली, तो ये आप चेंज कर सकते हैं अगर इमेज आपके पास नहीं हो। ठीक है तो अभी छोड़िए उसको, आप तो समझ गए कि नो इमेज कैसे सेट करना है। और ये पोस्ट लेवल स्पीच, हाँ देखिए ये जो है आपको एडिट करना पड़ेगा, यहाँ पे हो सकता है कि आपका कुछ और टेक्स्ट हो तो यहाँ पे रनिंग डाल दीजिएगा। और अभी बोलेंगे कि स्पीड क्या है, तो स्पीड भाई साहब हमारे पास 1 है, ये तेज़ बोलने के लिए, और ये HI मेरा है हिंदी लैंग्वेज, यहाँ पे होगा आपका इंडोनेशियन लैंग्वेज, तो ID से आपको HI कर देना है, कोई भी इंडोनेशिया डालकर GB भी होगा तो उसको हटाकर केवल HI लिख देना है, इससे आपका हिंदी में प्ले हो जाएगा और कुछ नहीं है, बस इतना ही था। ठीक है ये बुकमार्क का पेज बना लेंगे तो सारी पोस्ट जो है उस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मतलब कि अगर ज़्यादा बुकमार्क में ऑप्शन आ गए ज़्यादा पोस्ट तो उस पेज पे जाके और ये सारे बुकमार्क लग जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा दिया आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट में कौन कौन सा मतलब हेडिंग रखे वो वाला, तो मैं यहाँ S5 अगर कर दूँगा तो अगर S5 में भी कोई टैग आएगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे हिंदी। ठीक है तो अभी मैं इस पर चला जाता हूँ, और बताऊँ मैं कलर कैसे चेंज किया है, तो कलर का भी बता दूँगा यार। चलो यहाँ पे लिसन का तो आ रहा है लेकिन ये बोल नहीं रहा, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ना इसको समझ नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करो, इसको है हिंदी में और लिखा हुआ है इंग्लिश। अच्छा था थीम डिज़ाइनिंग का, तो यहाँ से मैं थीम डिज़ाइनर में चला जाता हूँ, कस्टमाइज़ कर लेते हैं। अगर मैं इसको रिसेट टू डिफ़ॉल्ट करूँ ना तो देखो कैसे दिखती है थीम, तो मैंने रिसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दिया, सेव कर दिया, और मैंने इसको देखो रिसेट कर दिया तो कैसा रहेगा, पूरा कलर चला जाएगा और ये डिफ़ॉल्ट कलर में आ जाएगा। ठीक है तो डिफ़ॉल्ट कलर से कैसे हटाना है, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे कलर पे चले जाओगे लाइट मोड पे, तो यहाँ पे सब कुछ एडिट कर सकते हो। ये जो है मैं अभी इस कलर में जो है ग्रीन कलर में चला के दिखा देता हूँ, तो ग्रीन कलर तो ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा, ब्लू कलर का कर देता हूँ सब कुछ। ठीक है और बॉडी टेक्स्ट कलर रखते हैं, तो बॉडी का बैकग्राउंड भी रखना है तो रख सकते हो, तो मैं बोलूँगा कि ना रखो इसको ऐसे ही रहने दो। लाइट मोड में आपने ये कलर चेंज कर लिया टेक्स्ट का, और बटन का ये डार्क मोड है, डार्क मोड में आपको बॉडी का टेक्स्ट कलर कैसे चाहिए ऐसे यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, पूरा वाइट रखिए। और उसके बाद हेडर का कलर है, तो हेडर का कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, देख सकते
ये सिंगल पोस्ट लाइक है, तो ये पोस्ट के टेक्स्ट का कलर है और ये सब है। डार्क में कैसा दिखेगा ये सब कर सकते हैं, फुटर कैसा दिखेगा, नीचे फुटर है ना तो उसका बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं, लाइक मतलब टेक्स्ट कलर ये सब पूरा यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एड सी एस एस करके कस्टम सी एस एस भी डाल सकते हैं। अभी रिफ्रेश करके दिखाते हैं कि हमारा ब्लू वाला वर्जन कैसा है, देख सकते हैं पूरा ब्लू ब्लू है। और ये फुटर का जो हमने डाला था सब कुछ मतलब बहुत ही सिंपल थी और सबको होम पेज में बहुत ज़्यादा मिली। इसको आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैं देख लेता हूँ यहाँ पर लिखा क्या है। अभी मैं क्या करूँगा कि लिंक सही खोजने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है उसको पेस्ट करके आता हूँ यहाँ पर। तो ये जो है मेन है भाई साहब, यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा लिंक डालना पड़ जा रहा है यहाँ पे। ये फेस इंस्टाग्राम का लिंक है, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। और ये जो है एक मिनट मैं इसको छोटा कर देता हूँ, 871 में 871वें लाइन में आपको जा करके ये जो कस्टम जो ये इमेज है वो डाल सकते हैं। अभी मैं इस इमेज को चेंज करके दिखाऊंगा। ये इमेज को मैंने कॉपी किया, तो मैं अब चला जाऊंगा वहाँ पर 871 पेज में। ये देखिए यहाँ पे एस वी जी लिंक्स ऐसे सब दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम लिखा हुआ है और ये URL दिया हुआ है। यहाँ से मैं अपना URL चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं अपना करना चाहूँ तो यहाँ पे डाल दिया मैंने और ये हो जाएगा। कॉम के बाद यहाँ पे स्लैश लगता है, उसके बाद कंज्यूमर हो गया। ऐसे करके आपको लिंक डाल दे रहे हैं आपको। और इसको मैं चेंज कर देता हूँ जो कि यहाँ पर टेक्स्ट है, और ये है हमारा इमेज। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया अपना इमेज, बहुत ही सिंपल है। आपको फाइंड करना है कोड और वहाँ से पेस्ट कर देना। ये आपको मिल कर रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फीचर पोस्ट के ऊपर मिल रहा है HTML 7 के अंदर। HTML 7 में ऊपर आ जाइए और यहाँ से आप नेगेट कर सकते हैं हर चीज़ को, ठीक है। नहीं तो आप चाहें तो यार नॉर्मली कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये हेडर है, ये आपका URL है। चलिए मैंने उसको चेंज तो कर दिया, तो आपको फाइंड करके ही चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो मोबाइल है तो भाई साहब दिक्कत होगा। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि चेंजेस क्या हुए हैं। मैंने बोला था कि ये जो है मैंने अपना इमेज लगा दिया यहाँ पे, तो मैंने अपना टेक्स्ट चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इंस्टाग्राम में मैंने अपना इंस्टाग्राम का ID मेंशन किया, जैसे कि मैं इसको यहाँ से खोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो था मेरा छोटा सा मतलब वीडियो था, ये कैसे इसको कस्टमाइज़ करना है, कलर भरना है, और ये जो रैंडम पोस्ट और हिंदी का जो है वो करना है। ये जो था आपका नॉर्मल था, कैसे आप अपनी कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस थिंग को, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर दोस्तों को मतलब कस्टमाइजेशन करने के लिए कुछ भी हो तो उन लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।